ए मोटी, ए माचिस की तिली, तुझे घर पे कुछ खिलाते नहीं है क्या? अबे पूरे घर का खाना तू ही खा जाती है क्या? फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हाय, माय नेम इज आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात है इस मंडे की, जब मैं अपना रेडियो शो करने के लिए स्टूडियो में एंटर हुआ, मैंने अपनी बैग रखी, माइक और सिस्टम को ठीक किया और अपने कंटेंट के बारे में सोचना शुरू किया ही था, तभी मेरे स्टूडियो में मेरी एक कलीग आई एक बड़ी सी मुस्कान के साथ। उसकी आंखों की चमक और वो मुस्कान बहुत कुछ कहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको पूछ लिया कि क्या हुआ। तो बोले कि कहानी सुनाना चाहती हूं। सुनोगे? मैंने बोला बताओ। फिर ये कहानी कही उसने। ये बात है एक लड़की की कि जो बचपन से ही जब वी मेट की करीना का छोटा वर्जन थी। बातों में एक्सपर्ट, खराटों में भी एक्सपर्ट, स्कूल की हर कॉम्पिटिशन से लेके हर एग्जाम में अव्वल, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। उतने में उनकी जिंदगी में आया एक बवंडर जिसका नाम टाइफॉइड। दवाई से या फिर जो भी कारण से सडनली वेट बढ़ गया। अब होता क्या है कि जब भी किसी का वेट सडनली बढ़ जाता है या सडनली घट जाता है ना, तो वो बिना कहे लोगों की नजर में आ ही जाते हैं। वही बात इस लड़की के साथ हुई। पहले नजरों में आई, फिर पीठ पीछे होती बातों में, और फिर फेस टू फेस होते फैट शेमिंग में। मतलब लड़की खूबसूरत तो थी ही, पर कहीं ना कहीं ये वेट बढ़ने की वजह से उसकी खूबसूरती कहीं गायब होने लगी। स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स थे जो शोबाजी में मानते थे या फिर किसी को चिढ़ाने में मानते थे, वो उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बुली करने लगे। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा। फैट शेमिंग के असर उसके ग्रेड्स पे और एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस पे भी पड़ने लगी। पर जैसे तैसे करके लड़की ने अपनी स्कूल खत्म की और कॉलेज का नया चैप्टर शुरू किया। अब जैसे ही वो कॉलेज में एंटर हुई ना, तो उसने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हुआ, अगर अभी उसने वेट लूज नहीं किया ना, तो वो कभी नहीं कर पाएगी। यही सोच के उसने 6 ही महीनों में 20 kgs लूज किया, क्रैश डाइट का जो कोर्स आता है वो करके, 20 kgs इन 6 months, और वो फिर से स्लिम हो गई। खूबसूरत तो वो पहले से थी, तो सब कुछ ठीक हो गया। मतलब जो स्कूल गर्ल का कॉन्फिडेंस था ना, वो वापस आ गया उसकी जिंदगी में। फिर से वो सातवें आसमान पे, मतलब कॉलेज में सबके साथ कॉन्फिडेंस से बात करना, हर एक्टिविटीज में पार्ट लेना, उसमें जीतना, ड्रामा करना, फिर एक कंपनी में इंटर्नशिप करना, उसी कंपनी के कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना, ना जीतने के बावजूद उसको जॉब मिलना, सब कुछ ऊपर ऊपर ऊपर, सातवें आसमान पे। तभी एक दिन जब वो एक कलीग के साथ बैठी थी, तो बात करते करते, अपनी कॉलेज की बात करते करते, उसने अपने कलीग को कहा कि आप कभी हमारी कॉलेज आइए, वहाँ की हमारी डिपार्टमेंट की जो लड़कियाँ ना, बहुत ही खूबसूरत। तो कलीग ने उसकी टांग खींचने के इरादे से ये पूछा कि अच्छा, मतलब तुम अपने आप को खूबसूरत कहती हो। इंटेंशन टांग खींचने का था, पर उस लड़की ने किसी और तरीके से ही ले लिया। उस टाइम पे तो उसने जैसे तैसे करके बात को रफा दफा कर दिया, पर वो जो सवाल था उसने उसके कॉन्फिडेंस को और मन को फिर से रफा दफा कर दिया था, और वो वापस अंडर कॉन्फिडेंट स्कूल गर्ल बन गई थी जिसको फैट शेम किया गया था। धीरे धीरे अंदर ही अंदर सब कुछ बिखरने जैसा लग रहा था। उसको लगा कि यार, मैं खूबसूरत नहीं हूं क्या? मैं वही वही बेकार सी लड़की हूं? सब जैसे वापस बिखर रहा था। तभी उसको याद आई मिरर थियोरी। मिरर के सामने उसने खुद को बिठाया और खुद को धीरे धीरे देखना शुरू किया। जैसे ही उसकी नजर अपने चेहरे पे पड़ी, तो उस चेहरे में दिखे उसके माँ बाप, कहीं माँ की झलक, कहीं पापा की झलक। फिर उसने सोचा कि जब मैं इतने बेहतरीन और मेरी जिंदगी के बेस्ट इंसानों का कॉम्बिनेशन हूं, तो मैं कैसे बेकार हो सकती हूँ? मैं कैसे नॉट सो खूबसूरत हो सकती हूँ? जरा भी नहीं। इसी सवाल ने उसको अपना कॉन्फिडेंस, जो कॉलेज टाइम का था, वो वापस दिलाया। और धीरे धीरे जो स्कूल की अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल वापस आ रही थी, वो गायब हो गई, और कॉलेज की जो सुपर कॉन्फिडेंट लड़की थी, वो उसके मन में वापस आ गई। इतना कह के उस कलीग ने मुझे कहा, अगर आपने उस दिन मुझे वो सवाल नहीं पूछा होता, तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस मुझे वापस नहीं मिलता। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। फैट शेमिंग या बॉडी शेमिंग की वजह से कॉन्फिडेंस क्यों हिल जाता है? क्योंकि आप अपने आप को खुद की नजरों से नहीं, दूसरों की नजरों से देखते हैं, गलत करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर ब्यूटिफुल ओनली इफ यू बिलीव यू आर ब्यूटिफुल। खूबसूरती और कॉन्फिडेंस दूसरों की नहीं, खुद की नजर में बसता है।
अगर इसको पा लिया तो उसके सामने हर फैट शेमर सस्ता है, ये बात की गांठ बांध लो। ऑल्सो एक मैसेज टू ऑल द फैट शेमर्स एंड बॉडी शेमर्स, नहीं एक्चुअली मैं सस्ते लोगों की बात नहीं करता, तो आई एम रियली सॉरी। ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेट, QOTD क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई कहानी है मतलब फैट शेमिंग या बॉडी शेमिंग के आसपास, तो प्लीज शेयर कीजिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तो भी, अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो आपने कैसे ओवरकम किया उन सब फियर्स को, उसके बारे में भी आपकी कहानी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि कहीं ना कहीं जो लोग थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट है वो आपकी स्टोरी पढ़ के इंस्पायर हो सके। गो हेड, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। उसके साथ साथ अगर आप इसी टॉपिक के आसपास कुछ और कहना चाहते हैं, अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। फ्रूटफुल होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ऑल्सो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार इसमें तो सिर्फ फैट शेमिंग की बात है, पतले लोगों ने क्या गुनाह किया है। वेल, नहीं किया है, आई अग्री, उसकी बात नहीं हुई है, वो भी मैं अग्री करता हूं, पर उससे ओवरकम करने के लिए भी आप यही थियोरी यूज कर सकते हो, यही बात अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो, और थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अगर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा। या चलिए इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली, आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज टुमारो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर ब्यूटिफुल। कीप मुस्कुराना, बाय बाय।